सुमोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। 184/3 के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी मिल सकेगा। अपील का हक माजी में किए गए फैसलों पर भी होगा। असेंबली से MNA मोहसिन दावड़ की पेशकर्दा तरमीम भी मंजूर। बिल कानून बनने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल सकेगा। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज भी फायदा उठा सकेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से रियासती इदारे मुतासर हो रहे हैं। आवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं, इदारे बोल नहीं सकते इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा है। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा ये बताएं। बदमाशों के टोले ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। इस टोले की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इकदामात पर पाकिस्तानी कौम की मुजाहमत जारी रहेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि हम हुस्तायत की इस हालत की तरफ बढ़ रहे हैं जो नातवी रियासत की थी। और इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब, बोली के गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। सहूलतकारों के जाने के बाद जब गीदड़ का मास्क उतरा तो बीच में से घड़ी चोर और तोशाखाना चोर निकला। 2018 में इलेक्शन चोरी किया गया, गधे पर लकीरें लगाकर जैबरा बनाने की कोशिश की गई।